की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। तो भाई 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ सपाई गुंडों ने जो हरकत किया गेस्ट हाउस कांड में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी को तो खत्म करने वाले थे सपाई गुंडे। उसी में बेचारे रामाचर राजभर को मारते पीटते लतियाते घेराते ले गए टान के, वही ना गुंडे हैं सपाई भाई। उनसे तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ इस तरीके की घटना का कहीं भी कोई अपनी घटना कर सकते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं भैया। सपा में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही है, जितनी सही है कितनी सही है, और सपा में शामिल होने का ऑफर मिलता है तो आप क्या सपा में जाने के लिए इच्छुक होंगे? ये फिजूल की अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं। हम जहाँ हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वहीं ईमानदारी से रहते हैं, जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम लोग डटे रहते हैं। आप जब से एनडीए में शामिल के आदेश को तो बुरा तो लग रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरह धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो एक तो अंदेशा है कि ये लोग, क्योंकि जब सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। तो भाई 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ सपाई गुंडों ने जो हरकत किया गेस्ट हाउस कांड में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी को तो खत्म करने वाले थे सपाई गुंडे। उसी में बेचारे रामाचर राजभर को मारते पीटते लतियाते घेराते ले गए टान के, वही ना गुंडे हैं सपाई भाई। उनसे तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ इस तरीके की घटना का कहीं भी कोई अपनी घटना कर सकते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं भैया। सपा में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही है, जितनी सही है कितनी सही है, और सपा में शामिल होने का ऑफर मिलता है तो आप क्या सपा में जाने के लिए इच्छुक होंगे? ये फिजूल की अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं। हम जहाँ हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वहीं ईमानदारी से रहते हैं, जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम लोग डटे रहते हैं। आप जब से एनडीए में शामिल के आदेश को तो बुरा तो लग रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरह धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो एक तो अंदेशा है कि ये लोग, क्योंकि जब सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। तो भाई 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ सपाई गुंडों ने जो हरकत किया गेस्ट हाउस कांड में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी को तो खत्म करने वाले थे सपाई गुंडे। उसी में बेचारे रामाचर राजभर को मारते पीटते लतियाते घेराते ले गए टान के, वही ना गुंडे हैं सपाई भाई। उनसे तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ इस तरीके की घटना का कहीं भी कोई अपनी घटना कर सकते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं भैया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।